हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राखी मेकअप लुक। और अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन पे भी हिट कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गर्मी का मेकअप है इसलिए मैं सबसे पहले अपने फेस पर लैक्टोकैलामाइन यूज़ करूँगी। इससे काफ़ी देर तक मेरे फेस पर पसीना नहीं आता है। लैक्टोकैलामाइन अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। इसके बाद मैं अपने फेस पे यूज़ कर रही हूँ NYB का प्राइमर। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। और इसको मैं अच्छे से अपनी स्किन में पुश कर लूँगी। प्राइमर से आपका जो मेकअप है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, और गर्मी में प्राइमर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना स्विस ब्यूटी का कंसीलर। मेरा ट्रैक सर्कल्स और फेस पे जो पिगमेंटेशन वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, इसलिए मैं ये वाला कंसीलर यूज़ करती हूँ। ये स्लाइटली येलो साइड पे है तो इससे जो मेरे फेस का डार्कनेस है वो अच्छे से कवर हो जाता है। और ये बिल्कुल सेम मेरे शेड का ही है, तो कभी भी अपने डार्क सर्कल्स को या जो फेस पे पिगमेंटेशन उसको छुपाने के लिए आप कभी भी लाइट कंसीलर यूज़ नहीं कीजिए। इस तरह का कंसीलर अगर आप यूज़ कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा और फ्लॉलेस बेस आपको मिल जाएगा। मैं यूज़ कर रही हूँ पूना स्टोर का ब्लेंडर, काफ़ी अच्छा है। जो स्विस ब्यूटी का कंसीलर मेरा बहुत ही फेवरेट कंसीलर है गाइस, देखिए इससे बहुत ही अच्छे से जो पिगमेंटेशन है वो कवर हो जाता है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना फॉरएवर 52 का फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड है FLF 016। इसका अलग सा रिव्यू भी मेरे चैनल पे है, आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। और ये फाउंडेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसका कवरेज भी काफ़ी अच्छा है, और ये 7 से 8 घंटे तक मेरे फेस पे अच्छे से टिका रहता है। जबकि मेरा फेस ऑयली है बट फिर भी ये मेरे स्किन पे बहुत देर तक अच्छे से लगा रहता है और बिल्कुल भी मेरे फेस को केकी शो नहीं करता। बहुत ही ईजली ये सारा फाउंडेशन ब्लेंड भी हो जाता है। अभी देखने में आपको लग सकता है कि ये मेरे फाउंडेशन शेड जो है वो लाइट है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा मैच है मेरी स्किन टोन के साथ, बिकॉज ये हल्का सा ऑक्सीडाइज होता है और ये फिर मेरी स्किन जैसा ही बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है। इसके लिए आप मेरा ये पूरा इस फाउंडेशन का रिव्यू देख सकते हैं, मेरे चैनल पर ही है, और इसमें बहुत सारे शेड भी अवेलेबल हैं, आप चाहे तो इसको बाय कर सकते हैं। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट, जो कि गर्मियों में या सर्दियों में जब भी आपका फेस अगर ऑयली है तो आपको कॉम्पैक्ट ज़रूर यूज़ करना चाहिए। फिटमी का ये कॉम्पैक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 310। ये 199 रुपीज़ में आता है और इसका भी रिव्यू मेरे चैनल पर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। डार्क शेड में ये लॉन्च हुआ है जिसका मैंने रिव्यू किया हुआ है। अब मैं अपने आईब्रोज़ को फिल इन करने वाली हूँ। हिलरी रोडा का ये है आईब्रो ड्राइंग और बहुत ही ज़्यादा ये अफोर्डेबल है, और इसमें आपको 3 शेड्स मिल जाते हैं। इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ कफ्स एंड लैशेज का, मेरे पास आईब्रो डिफाइनिंग ब्रश है उसके साथ। अब मैं हिलरी ब्यूटी का मेरे पास ड्यू पैलेट है उसके में से मैं बिल्कुल लाइट कलर लेके क्रीज पर अप्लाई कर रही हूँ। और आज मैं बहुत ही लाइट मेकअप रखूँगी आईज़ का, बिकॉज मैं डे मेकअप कर रही हूँ। इस तरह से क्रीज पे अप्लाई करने के बाद मैं एक मैट कलर है उसमें से लाइट बिल्कुल वो ले रही हूँ। लाइट कलर लगाने से ये होता है कि आपकी आंखों पे जो रिंकल्स पड़ते हैं वो कम नज़र आते हैं, इसके बजाय अगर आप ग्लिटर कलर लगाएंगे तो आपके जो रिंकल्स हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं, इसलिए मैं ये कलर लगा रही हूँ। और इसके ऊपर मैं आई लाइनर लगाऊँगी, और मैट कलर लगाने की वजह से ही वो पॉप आउट ज़्यादा होकर नज़र आएगा। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ग्रीन कलर का ये आईलाइनर है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, आप इसको नाइका फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगवा सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मैट फिनिश देता है। मैं अपने आईलैशेस को कर्ल कर रही हूँ। जनरली मैं दिन में कभी भी आईलैशेस नहीं लगाती हूँ। इस तरह से अपने आईलैशेस को कर्ल करने के बाद अगर आप मस्कारा लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लुक मिल जाता है। मस्कारा आप अच्छा यूज़ कीजिए, जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का कोलोसल मस्कारा, ये बहुत ही अच्छा मस्कारा मेरे को लगता है। ये आपकी जो आईलैशेस है इससे लॉन्ग भी लगेंगी और बहुत ज़्यादा वॉल्यूमनाइजिंग भी लगेंगी, आप देख सकते हैं। लेकिन इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने बाद में फॉल्स आईलैशेस लगाए थे, आप चाहे तो ना भी लगाएं तब भी अच्छा लगेगा। डे मेकअप लुक में आईलैशेस लगाना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं होता है।
तो अभी मैं MN का ग्रीन कलर का पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। गाइज़ मैं वाटर लाइन पे नहीं अप्लाई कर रही हूँ, लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि मैं आई शेडो को अप्लाई करते हैं, क्योंकि मेरी आँखें थोड़ी सी उठी उठी सी लगने लग जाती हैं। अब मैं वाटर लाइन पे अपने ब्लैक कलर का L18 का अपना काजल यूज़ कर रही हूँ और अब मैं कॉन्टोरिंग के लिए गाइज यूज़ कर रही हूँ आईटेक्स डेजलर का कॉन्टोर शेड है कॉम्पैक्ट में, बट ये डस्की स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छा कलर है। आप देख सकते हैं काफ़ी डार्क है, कैमरा पे इतना अच्छे से शो नहीं हो रहा था डार्क कलर, लेकिन आप जब मैं कॉन्टोर कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कॉन्टोर हुआ है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डार्क शेड है और सिर्फ 80 रुपीज़ का ये रिटेल करता है, जबकि आप अगर आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो थोड़ा सा डिलीवरी चार्जेस के साथ ये थोड़ा सा आपको 130-140 का पड़ेगा, अदरवाइज़ वैसे ये 80 रुपीज़ का ही है। नोज़ की कॉन्टोरिंग भी मैंने इसी से कर ली है, देखिए काफ़ी अच्छी कॉन्टोरिंग हुई है। और कोशिश कीजिए गर्मियों में आप क्रीम प्रोडक्ट की जगह ज़्यादा पाउडर प्रोडक्ट ही यूज़ कीजिए। अब मैं बेटन वायल का अपना ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं इस तरह से लगा रही हूँ। अगर मैं चीक्स पे लगाती हूँ तो चीक्स थोड़े से चबी और ज़्यादा लगते हैं, तो मैं इसको इस तरह से लगाती हूँ अपने ऊपर वाली साइड पे करके टेम्पल्स पे, जिससे कि जो फेस है वो अपलिफ्टेड सा लगता है। और मैं हाइलाइटर सिवाना का यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही हल्का सा सटल सा हाइलाइटर है जो कि डे टाइम के लिए काफ़ी अच्छा है। मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लेके अपने आईज़ के इनर कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि आँखें इनहेंस और बड़ी बड़ी लगती हैं। देन मैंने फेक आई लैशेज भी अप्लाई कर लिए हैं और मैं पर्पल का अपना लिप क्रियॉन यूज़ कर रही हूँ। ये प्रॉपर ट्रांसफर प्रूफ लिप क्रियॉन है, बहुत ही अच्छा है और इसका कलर जो है हर डस्की स्किन टोन पर बहुत ही अच्छा लगेगा। यह है शेड नंबर 2 शेयरिंग टू केयरिंग। तो गाइज़ ये है मेरा फाइनल लुक और जो मैंने गले में चोकर सेट पहना है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो ये मैंने मीशो से मंगवाया है, जिसका अलग सा हॉल मेरे चैनल पे है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको मेरा ये वीडियो है वो पसंद आया होगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी राखी।